पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेजर शौर्य ने अपने मिशन सीक्रेट के लिए रोहन और मंजीत को चुना। अगले दिन सुबह को अपराजिता भी रोहन और मंजीत के साथ ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही थी। यह देखकर मेजर शौर्य नाराज हो गए और वो अपराजिता को डांटने लगे। तभी पीछे से एक लड़का आया जिसका नाम भानु है। अब आगे। भानु जी मेजर साहब, अब आप मेजर बन गए हैं तो कुछ भी समझाओगे। भानु तुम कब आए और यहाँ कैसे? मेरे दोस्त शौर्य ने तो कभी परमिशन नहीं दी, लेकिन मेरी दोस्त अपराजिता मुझे यहाँ ले आई। अपराजिता का तो दिमाग खराब है, क्या तुम भी उसके साथ पागल हो गए हो? पागल तुम हो गए हो मेजर शौर्य, जो वीरता को अपनी आंखों के सामने मरने दिया तुमने। भानु जबान संभाल कर बात करो, वीरता तुमसे ज्यादा मेरी थी, तभी तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए हो। मैं दुश्मन को तुम्हारे कहने से पहले ही ऑन द स्पॉट खत्म कर चुका हूँ। भानु और शौर्य में बहस होने लगी। अपराजिता, तुमने इंडियन आर्मी को अपना घर समझ लिया है कि किसी को भी उठाकर यहाँ ले आती हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कि मुझे बॉर्डर पर जाना है और उस दर्द को महसूस करना है जो हजारों शहीद करते हैं। मुझे भी इंडियन आर्मी में जाना है। यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है कि जिसका भी मन हो वो ऐसे ही भर्ती हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी होगी। और भानु, तुम्हें एक चींटी से भी डर लगता है, तुम इंडियन आर्मी में क्या करोगे? मेजर जी, आप जो भी बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो करनी है। ठीक है, मैं तुम दोनों को 10 दिन का समय देता हूँ। तुम्हें मंजीत और रोहन के बराबर मेहनत करनी होगी और फिजिकल फिटनेस में इनके बराबर आकर आर्मी ट्रेनिंग की कुछ एक्सरसाइज करके खुद को साबित करना होगा। फिर मैं तुम दोनों को आर्मी में नहीं, मिशन सीक्रेट में शामिल कर लूंगा। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। जय हिंद। ठीक है, मैं तुम चारों से 10 दिन बाद मिलूंगा, तब तक मंजीत और रोहन तुम्हें सिखाएंगे। मेजर शौर्य अपने कमरे में चले गए। मेजर शौर्य ने अपने कमरे में जाकर एक बैग खोला जिसमें कुछ पुराने फोटोज, कुछ खिलौने और कुछ उपहार थे। तभी उनके हाथ में एक गुड़िया आई जिसे देखकर मेजर बचपन की यादों में पहुंच गए और मुस्कुराने लगे। ये तो वही गुड़िया है जिसके लिए वीरता मेले से एक गुड़िया खरीद कर लाई थी। अपराजिता भी वीरता की गुड़िया मांगने लगी, लेकिन वीरता उसे अपनी गुड़िया नहीं दे रही थी। मैं अपनी गुड़िया नहीं दूंगी, मुझे ये गुड़िया चाहिए। मैं ये गुड़िया नहीं दूंगी। मैं डॉक्टर बनकर इस गुड़िया का इलाज करूंगी। तुम्हें तो सैनिक बनना है ना, फिर तुम गुड़िया का क्या करोगी? ये मेरी है, तुम्हें चाहिए तो और ले आओ। दोनों का झगड़ा देखकर शौर्य भी आ गया। क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये मेरी गुड़िया ले रही है। मैंने लोमड़ी की कहानी पढ़ी है, अपनी गुड़िया मुझे दे दो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। वीरता ने अपनी गुड़िया शौर्य को दे दी, लेकिन शौर्य ने वो किसी को नहीं दी बल्कि उसे लेकर भागने लगा। वीरता उसके पीछे भागी। वीरता, तुम कहाँ हो? वापस लौट आओ, मैं तुम्हारी ये प्यारी गुड़िया भी तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन तुम वापस लौट आओ, वापस आ जाओ वीरता। अब तो तुम्हारे चले जाने का इल्जाम भी मेरे ऊपर है। तुम कहाँ हो वीरता? आ जाओ वीरता प्लीज। लेकिन अब शौर्य को कोई नहीं सुन सकता था। कमरे के खाली दीवारों के अलावा कोई भी उसका खालीपन नहीं भर सकता था। बेबस शौर्य देश की जिम्मेदारी के कारण किसी के सामने रो भी नहीं सकता था, इसलिए अंदर ही अंदर रोना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके द्वारा पिए गए आंसू गुस्से के रूप ले रहे थे। तभी मेजर शौर्य के हाथ में एक और उपहार आया, वो एक अंगूठी थी। अनजाने में ही कितना कुछ मिल गया और बिना कभी कुछ कहे सब खो भी गया। ये अंगूठी तो वही है जो एक बार वीरता ने मुझे। वीरता के स्कूल के दिन थे, तभी उनकी माँ ने उन्हें एक अंगूठी लाकर दी। माँ ने मुझे ये बर्थडे का गिफ्ट दिया है। ये तो बहुत अच्छा है। तुम मेरे दोस्त हो और मैंने तो तुम्हें कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, तो ये तुम रख लो। वीरता ने शौर्य को अपनी रिंग दे दी जिसे शौर्य ने संभाल कर रख लिया। वीरता कौन है, मेरे लिए क्या है? न चाहते हुए भी मैंने सब कुछ अब तक संभाल रखा है। मैंने उसकी हर चीज, हर याद को संभाल कर रखा है, लेकिन मैं वीरता का ख्याल नहीं रख पाया। मैं बहुत बुरा हूँ। यादों के बक्से को देखते देखते मेजर शौर्य को सुबह से शाम हो चुकी थी। तभी उनका अलार्म बजा कि शाम के 5 बज गए हैं। मेजर शौर्य ने वो बैग बंद किया और गालों से आंसू पोंछते हुए मैदान की तरफ चल दिए। मेजर शौर्य समय के पाबंद थे, वो समय पर मैदान पर पहुंच गए, लेकिन किसी के पास नहीं गए बल्कि दूर से सब देख रहे थे। वहां रोहन और मंजीत पहले से ही रनिंग कर रहे थे, लेकिन अपराजिता और भानु का अभी कोई पता नहीं था। मेरा 10 दिन का चैलेंज स्वीकार किया है, लेकिन ये तो पहले ही दिन गायब है। चलो आज तो समय पर पहुंचे। तभी मेजर शौर्य ने देखा कि ग्राउंड में 2 नहीं बल्कि 4 लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं।
और वो दो लोग अपराजिता और भानु ही थे। रोहन और मंजीत दोनों अपराजिता और भानु को अच्छा गाइड कर रहे थे, लेकिन भानु मोटा था और उसने कभी भाग दौड़ भी नहीं की थी, इसलिए उसके सांस चल रहे थे। वो भागते हुए बार बार गिर जाता था, लेकिन अपराजिता उसे बार बार सहारा देती थी। मैं जितनी बार भी गिर रहा हूँ, अपराजिता मुझे सहारा दे रही है। इसका मतलब अपराजिता मुझे अभी भी प्यार करती है, लेकिन पता नहीं ये दोबारा मुझसे उस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती है। तभी अपराजिता की आवाज आई, भानु फास्ट, जल्दी दौड़ो, खड़े रहने का समय नहीं है, जल्दी करो। तभी भानु भी दौड़ने लगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक मैदान में नहीं रुक सकता था, इसलिए वो दूर जाकर बैठ गया। अपराजिता की भी हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसके पैर भी जवाब दे गए और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। अपराजिता और भानु, अगर तुम्हें ऐसे ही दौड़ना है तो वापस लौट जाओ। ये इंडियन आर्मी का मिशन है जिसमें सबसे बेहतरीन जवानों को चुना जाता है, लेकिन तुम मुझे इस लायक नहीं लग रहे हो। मैं लड़ूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। अपराजिता ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर थक चुके थे, वो वापस पीछे गिर गई। आज तुम दोनों का पहला दिन है, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन कल से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, मैं कल सुबह समय से पहुंच जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी। भानु, तुम कल आओगे क्या? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। यहाँ गोलगप्पे मिलेंगे क्या? हेल्थी रहने के लिए हेल्थी खाना भी पड़ता है, इसलिए ये सब मत खाना। ओके, मैं नहीं खाऊंगा। अपराजिता और भानु चले गए। भानु मन ही मन में अपराजिता और अपना पास्ट याद कर रहा था। काश सब पहले जैसा हो जाए और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपराजिता को मेरा गोलगप्पे का त्याग समझ भी आएगा या नहीं, लेकिन भगवान मेरी सुन ही लेंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या हुआ भानु, तुम इतने थक चुके हो कि चुपचाप चल रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो कभी थकता ही नहीं हूँ। तुम यहाँ आकर खुश हो? हाँ खुश हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि हमें यहाँ आना क्यों जरूरी है? मतलब? थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, क्या इंडियन आर्मी के होते हुए हमारी जरूरत है? क्या ये हमारी बेवकूफी नहीं है? भानु, तुम हमेशा से भागते आए हो और आज भी भाग रहे हो। तुम जा सकते हो, मुझे आज भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं भाग? फिर क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था क्या? तुम अपनी मर्जी से आए थे और अब अपनी मर्जी से ही जा भी सकते हो। मैं तो बस बात ही। नहीं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें माफ करके मैंने गलती की। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी मेहनत होगी। हाँ, अगर पता होता तो तुम कभी यहाँ नहीं आते। अपराजिता गुस्से में वहाँ से चली गई। भानु उसके बारे में सोच सोच कर ही परेशान हो रहा था। मैंने आज ही क्यों बोला, मुझे उसके सामने सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ बोला भी तो नहीं, फिर उसको बुरा क्यों लगा? कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए था। अपराजिता कभी भी मेरे समझ में नहीं आई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे प्यार करती भी है या नहीं। भानु खुद को कोस रहा था और इसी तरह चुनौती का एक दिन बीत गया। अगले दिन सुबह को भानु और अपराजिता को वजन के साथ दौड़ना था। रोहन और मंजीत मैदान में पहुंच चुके थे। अपराजिता भी आई तो उसने देखा भानु भारी वजन लेकर दौड़ रहा है। वैसे अब भानु बदल गया है, इतना भी नहीं भागता है। इसको अपनी जिम्मेदारियां समझ आने लगी हैं, लेकिन देर से समझ आने का कोई फायदा नहीं है। अपराजिता ने भी सामान पीठ पर रखा और दौड़ने लगी। अपराजिता को वो बहुत भारी लग रहा था, लेकिन दिल के अंदर लगी आग शांत नहीं हो रही थी। भानु और अपराजिता दौड़ते जा रहे थे। जैसे ही अपराजिता दौड़ते हुए भानु के पास पहुंची, अपराजिता मैं अब भागता नहीं हूँ, शायद वक्त ने मुझे समझदार कर दिया है। अपराजिता कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ दौड़ती रही। काश तुम उस दिन नहीं भागे होते। अपराजिता को दौड़ने में बहुत मुश्किल आ रही थी और उससे भी ज्यादा भानु परेशान था, लेकिन भारी वजन के साथ दोनों अपने प्यार के लिए दौड़ रहे थे। मेजर शौर्य भी दूर से ये देख रहे थे। ये दोनों बच्चों जैसे जिद करते हैं, क्या इनको सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनाना ठीक रहेगा? नहीं, भावनाओं में बहकर की गई ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरी, जो मैं कभी नहीं करना चाहता। तभी मेजर शौर्य को एक कॉल आया जिसमें कुछ घबराने वाली बात कही गई। क्या हमारे जवान? ऐसी क्या खबर मिली होगी मेजर शौर्य को जिसे सुनकर वो भी घबरा उठे? क्या मेजर शौर्य अपराजिता और भानु को अपने मिशन सीक्रेट में शामिल कर पाएंगे? आखिर क्या है अपराजिता और भानु का सच? जानने के लिए देखते रहिए शौर्य वीरता, एक अनोखी प्रेम कहानी, ओनली ऑन एनम स्टोरीज पर। कहानी जारी रहेगी। जय हिंद दोस्तों, आपको एनम स्टोरीज की ये नई सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट करें। शौर्य वीरता की प्रेम कहानी को जानने के लिए ये सीजन पूरा देखें और सभी एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट बनाए